हेलो बच्चों, लेट्स सी आवर क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केप। तो बच्चे हमसे दो फ्रेजेस का मतलब पूछा है। तो फर्स्ट फ्रेज हमारा क्या है, एंकरिंग अर्थ, एंड दूसरा फ्रेज है हमारा अर्थ केप। तो दोनों का ही मतलब हमको इस क्वेश्चन में समझाना है। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। एंकरिंग अर्थ मीन्स दैट द ट्री इज फर्मली फिक्स्ड बाय द डीप रूट्स इनसाइड द अर्थ Which hold it in its place during storms। तो यानी कि अगर हम एंकरिंग अर्थ का मतलब समझते हैं, तो पोएट हमने ये एंकरिंग वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ट्री को फिक्स करने का एक ही तरीका है, यानी कि एक ही तरीके जो ट्री है वो इतने सालों तक एक ही जगह पे फिक्स रहता है बिकॉज ऑफ इट्स डीप रूट्स, ठीक है, जो कि अर्थ के अंदर बहुत ही ज्यादा डीप है और उसे एक ही जगह पर इतना फर्मली पकड़े रखती हैं, प्लेस रखती हैं। स्पेशली स्टॉर्म्स में भी जो ट्रीज हैं वो अपरूट नहीं होते हैं, ठीक है। अर्थ केव, यानी कि जो फ्रेज अर्थ केव है उसका क्या मतलब है, अर्थ केव रेफर्स टू द डीप होल इन साइड द अर्थ, ठीक है, जहां पर कि हमारी रूट्स हैं उस डीप पिट को, उस डीप आप होल को हम क्या बोलेंगे, अर्थ केव, ठीक है। सो अर्थ केव रेफर्स टू द डीप होल इनसाइड द अर्थ वेयर रूट्स हैव बीन बरेड एंड हिडन फॉर इयर्स, कि जहां पे जो इतनी गहराई में जो रूट्स हैं वो दबी हुई हैं और सालों तक छुपी रहती हैं। इट गिव्स देम अ सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड टू ग्रो, और वहीं से ही जो ट्रीज हैं नीचे ही नीचे जमीन में फैलती रहती हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटी, और जो प्रोटेक्ट करती हैं अपने आप को नेचुरल क्लैमिटी से भी प्रोटेक्ट करती हैं और ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करती हैं ये किसी भी नेचुरल क्लैमिटी से, या किसी भी तरीके से हम ट्री को जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वो हमारी एंकरिंग अर्थ ही करती है और अर्थ केव ही करती है। तो पूरा जो हमारे ट्री का जो स्ट्रेंथ है वो अंडर दी अर्थ लाई करता है, इसीलिए हमारे पोइट भी कहते हैं कि हमारी जो ट्री है उसको ऊपर से काटने से वो किल नहीं हो सकती है। सो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।